भाई सुना है तेरा आईफोन चोरी हो गया? हाँ चोरी हो गई। थाने में रिपोर्ट लिखाया या नहीं लिखाया? लिखाया था, पर जब थाने से बाहर आया तो बाइक चोरी हो गई। चलो कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अरे भगवान के पास भी गया था और मंदिर से जब बाहर आया तो चप्पल चोरी हो गई। साला चक्कर तो तब आ गया जब सुलभ शौचालय ने मुझसे ये कहा, छुट्टे नहीं है भैया, 5 रुपए की और कर लो। वैसे तूने मुझे मजाक में मारा या सीरियस में मारा? सीरियस में मारा। तब ठीक है, वैसे भी मजाक मुझे पसंद नहीं। भाई ये फोन मिला है किसी का हो तो वो अपना ये ले जाए। अंकल इसी ने आपकी बेटी को मोबाइल दिया है। अच्छा सुरेश भाई एक बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेगा ना? नहीं मानेंगे, पूछो। तेरा शकल देख के लग रहा है तू नहाता भी नहीं होगा। अब हम एक बात पूछे, तू बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं मानेंगे, पूछो। तुम्हारा दांत देख के लग रहा है तुम ब्रश भी नहीं करता होगा। अब देख तू, अब तू गया बेटा। हेलो अंकल, आपका बेटा सूरज सिगरेट पीता है। और मैं आपको इस हद तक नजरअंदाज कर सकता हूं कि आपको अपनी मौजूदगी पर शक होने लगे। मेरे कोलो कोलो लंगी दीसी सब वंगू डंगी दीसी तभी तो तुझी से। खाने में क्या बनाऊं आज? कुछ भी नहीं बोलना क्योंकि मैं तो कुछ भी बना लूंगी, लेकिन तुम लोग कुछ भी नहीं खाते हो। तुम लोगों का रोज का हो गया, जब भी पूछो क्या बनाओ कुछ भी बना लो, जब भी पूछो क्या बनाओ कुछ भी बना लो, और जब कुछ भी बना लेती हो तब सारा सा मुंह बना लोगे। ये क्या बनाया है, ये क्यों बनाया है, कल ही तो बनाया था, ये क्यों खाएंगे हम? कुछ भी खाते हो कुछ भी बना लो। स्त्री की तुलना में स्त्री टू ने लगभग 2 गुना बिजनेस किया। इससे साबित हो गया कि लोग दूसरी स्त्री को ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक बेटा मम्मी बोले तब तक बेटा तेरा है, अब तेरा बेटा डार्लिंग बोले अब तेरा बेटा मेरा है, बेटा बेटा ना कर सासू अब तेरा बेटा मेरा है। तुमको पता है कि बीबियों को कैसे खुश रखते हैं? किसकी? सारी उम्र में जो तेरे बेबी के साथ पूरा दिन बिताने के बाद माँ, क्या मेरे लिए कोई प्लैनेट है कि मैं ऐसे प्लैनेट पे जाके रहूं कि कोई मुझे पकड़ न सके? अस्पताल में पेशेंट से मिलने आए हुए लोग बस कुछ ही मिनट के लिए रहते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता और दही बड़ा सब रेल के जाते हैं। हाँ शादी तो उसी लड़की से करनी चाहिए जिसको व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम और मेकअप ये सब ना आता हो। दोस्तों बचपन में मैं भी श्री कृष्ण जी की तरह बहुत खूबसूरत था, लेकिन जिंदगी की भाग दौड़ ने मुझे भैरव बाबा बना दिया। गुरु जी मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते हैं। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरु जी। कभी कभी? हाँ जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी ख्याल आए। कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं। 1500 रुपए दिन का खर्चा, कमाते कितना हो? तो पैसा कहाँ से आता है? अभी अभी जो पेशेंट कोमा से बाहर आया था उसे बुलाओ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। आप सामने बैठो। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ था? अरे कुछ नहीं, तुम्हारा इंटरनेट डाटा बंद हो गया था। हाँ बोलिए।
साहब कल जो आपने दवाई दी थी उससे बुखार तो चला गया, लेकिन जी बहुत घबरा रहा है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी दवाई दे रही हूँ, वो भी चला जाएगा। आपको सोनोग्राफी करानी पड़ेगी। माफ कीजिए डॉक्टर साहब, बहुत गरीब आदमी है, तांबा और पीतल का ही करवा दीजिए। डॉक्टर साहब ये मेरा रिपोर्ट है। रुको जरा, सबर करो भाई साहब, आपका और आपका बीवी का ब्लड ग्रुप सेम है। होगा क्यों नहीं डॉक्टर साहब, पिछले 15 वर्षों से तो मेरा ही खून पी रही है। जोड़ियां तो ऊपर ही बनती हैं। सिर्फ झगड़ने के लिए नीचे आती है। हाँ हम देख कौटी आई जहाज जहाज के लिए सीधे आए एकदम सीधे। मैं टीचर नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने एडमिशन लिया है यहाँ पे। आपकी रैगिंग तो कर सकते हैं ना। शट अप शुभम, एक्सक्यूज मी बट यू क्रॉसिंग योर लिमिट्स। टीचर ही हूँ मैं, खड़े रहो। सॉरी मैम। नेम? शुभम। रोल नंबर? नहीं बता। तो ऑफिस में जाके पता लगाओ क्विकली। अरे भाई ये दारू का ठेका कहाँ मिलेगा। भाई आए? मैंने गर्लफ्रेंड को ओयो में देखा। भाई मेरे को तो पहले ही पता था कि वो ऐसी लड़की है, पर भाई तू कभी भी उसके चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करियो। कुछ कर और उसको दिखा, तू क्या कर सकता है। भाई मेरी नहीं तेरी गर्लफ्रेंड को देखा। देखिए आपका डिस्चार्ज हो चुका है, अब आप घर जा सकते हो। डॉक्टर साहब एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो। डॉक्टर साहब आप बहुत खूबसूरत हो, आपने मेरा दिल चुरा लिया। चल झूठे, मैंने तो तेरी किडनी चुराई, दिल थोड़ी चुराया है। अबे जब ही तो कहूँ यहाँ पे दर्द क्यों हो रहा है। अरे मजाक कर रही थी, क्या कह रहे थे, मैं खूबसूरत। ये क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर साहब मेरा फेस पूरा काला होते जा रहा है। हाँ तो उसको गोरा करने के लिए फेस क्रीम आता है। नहीं डॉक्टर साहब, कोई इंस्टाग्राम का फिल्टर बता दीजिए ना। दुनिया में दो इंसान बहुत ही निकम्मे हैं। पहली तो मैं हूँ, और बहन तू क्या इतने ध्यान से सुन रही है, दूसरी तू है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुबारक हो, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। अच्छा कमाल की टेक्नोलॉजी है डॉक्टर साहब, बीबी हॉस्पिटल में और बच्चा घर में पैदा हुआ है। तुम तो मुझसे भी क्यूट हो। नहीं नहीं तुम मुझसे ज्यादा क्यूट हो, तुम सही कह रहे हो। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन। नाम क्या है? किसका? तेरा। किसका? अबे तेरा। महाराज को थोड़ा कम सुनता दिखा। किसका? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ही किसका है? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस घर पर इज्जत नहीं है, वो बात अलग है। हाँ अच्छा एक बात बताऊँ, समझ लोगी? हाँ समझ लूंगी, बताओ। समझ के बताओ। बात कुछ समझ न पाई, हमने पाई। एक छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पे पोटी कर रहा था, तो उसे पुलिस वालों ने पकड़ लिया और फिर उसे ले जाने लगे। तो इतने में बच्चा बोला, अरे कानून के रखवालो,
जरा सबूत तो उठा लो। अर सुनदे सुनदे सपने में जब तेरे ख्वाब आए, करके तेरा दीदार उस रात नींदा में भी मुस्कुराए। यार बच्चों को डांटा मत करो, अब वो बड़े हो रहे हैं, उन पे गलत असर पड़ता है। कितने भी है तो हमारे बच्चे हैं ना। मम्मी क्या है पूरा दिन मम्मी मम्मी मम्मी। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना, हमें समझेंगे कौन समझेगा उनको। माँ बाप का फर्ज। बेटा सफल होने के लिए ना पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। बात तो सही है बुआ।